कांग्रेस के राम मंदिर के निमंत्रण के ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने का प्रयास किया और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। और कांग्रेस आज हालत क्या है, भगवान राम को काल्पनिक बताती हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताती हैं, भगवान राम के रामलला की जन्मभूमि को जो केस इतने वर्षों तक चला उसके लिए अपने वकील वहां तक कांग्रेस के समर्थकों ने खड़े कर दिए ताकि रामलला का वो केस ना जीत पाए, भव्य राम मंदिर ना बन पाए। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए। ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो, राम को काल्पनिक बताने का हो, ये कांग्रेस की सोच है। लेकिन हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श है। Z News।